हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अंकल मैथ के यूट्यूब चैनल पर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के पहले पार्ट में हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे जो 1707 से लेकर के अठारह के बीच के पीरियड में जितने सारे मुगल्स हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री कहें तो 1707 से जब से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 तक के बीच के जो टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वे सब सारी घटनाएं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तो उसी के सीक्वेंस में ये पहला वीडियो है तो इसमें हम लोग मुग़लों के उत्तरार्ध में मतलब मुग़लों का जो पतन हो रहा था उसमें कौन कौन से मुगल बादशाह आए और उन्होंने क्या क्या काम किया उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आगे देखते हैं लिखा हुआ थ्री कीज टू सक्सेस मतलब सफलता के तीन मूल मंत्र हैं पहला हार्डवर्क दूसरा डिसिप्लिन तीसरा परसिस्टेंस हार्डवर्क मतलब कठिन परिश्रम पहली चीज अब अगर आपको सफल होना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा ठीक है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा दूसरी चीज़ डिसिप्लिन में रह करके मेहनत करनी पड़ेगी डिसिप्लिन इन द सेंस मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट सही रखना है आपको कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ से आप कितना ज़्यादा स्टिक रहते हैं मतलब ये नहीं कि आप आज एस की तैयारी कर रहे हैं कल यू के लिए बैठ गए तो डिसिप्लिन रह करके करना है तीसरी चीज परसिस्टेंस परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको थोड़ा सा अपने अंदर कठोरता लानी पड़ेगी आपको थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा जिद्दी बनने का मतलब ये है कि आपको अपने आप से काम करवाने के लिए ये आपको मदद करेगा मतलब आपका शरीर तो चाहता ही है आराम करना आपका शरीर सुबह सुबह उठने से मना कर देगा कहेगा नहीं थोड़ी देर और सो लेते हैं लेकिन आपको अगर कुछ पाना है कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ेगा शरीर की आराम को छोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़िद्दी बनने की भी ज़रूरत है कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है हम कैसे नहीं उठ सकते सुबह सुबह कैसे हम चार घंटे पाँच घंटे बैठ करके नहीं पढ़ सकते बहुत सारे बच्चे आठ आठ घंटे दस दस घंटे पढ़ लेते हैं तो इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मुगल काल सबसे पहले तो मुगल काल हम लोग देख लेते हैं मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 में जब पानीपत के युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था और बाबर इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है और पानीपत के फर्स्ट वॉर में पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है ये वाला रीजन जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये इब्राहिम लोदी के पास में एरिया था ये आपका भारत है इधर यहाँ पे आपका ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान है और इसके इधर आपका अफगानिस्तान है ठीक है ये आपका इंडिया ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान ठीक है तो बाबर आता है इधर से और इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत के मैदान में तब से शुरुआत हो जाती है मुगल काल की 1526 से मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है और कब तक चलता है मुगल काल 1526 से लेकर के अठारह की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफ़र को जेल रंगून में रंगून में एक जेल में भेज दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा तब मुगल काल का अंत हो जाता है अठारह में तो मुग़ल काल की शुरुआत होती है 1526 से जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर फिर लगातार चार युद्ध जीतता है पंद्रह सौ फिर उसके बाद में अट्ठाईस उनतीस मतलब पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा ये सारी चीज़ें हम लोग मुगल काल में पढ़ेंगे अच्छे से बस इतना देख लो बाबर ने अपना राज्य विस्तार ये इतना एरिया में किया उसके बाद अकबर आता है अकबर अपना राज्य विस्तार यहाँ से ये वाला एरिया अकबर का है ठीक है उसके बाद औरंगजेब सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार करता है और ये नीचे दक्षिण यहाँ तक जीत लेता है ठीक है तो औरंगजेब का जो एरिया है वो ये वाला यहां तक है ठीक है अकबर का जो एरिया है वो अकबर का ये वाला एरिया है ठीक तो इसके बाद में इन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तक शासन किया लेकिन उत्तर मुगल काल जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में कोई भी मुग़ल सम्राट कोई ऐसा कोई भी मुग़ल बादशाह ऐसा नहीं आता है जो इतने बड़े मुग़ल साम्राज्य का की बागडोर संभाल सके सत्रह से लेकर के अठारह तक इस काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है मतलब मुग़ल काल के बाद वाला पीरियड ठीक है एक एक करके जितने भी बादशाह हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं लिखा हुआ है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और यहाँ से लेकर के अठारह में जब बहादुर शाह जफ़र को रंगून में कैद में भेज दिया जाता है तब से 1707 से लेकर के अठारह तक उत्तर मुगल काल चलता है इसमें बहुत सारे बादशाह हुए हैं पहले बहादुर शाह ये बहादुर शाह प्रथम है और अंतिम भी कौन से हैं बहादुर शाह है उत्तर मुगल काल में अगर बादशाह की बात करें पहले बहादुर शाह हैं और अंतिम भी बहादुर शाह हैं ये फर्स्ट हैं ये द्वितीय हैं इनको जफ़र की उपाधि ही हासिल हुई थी ठीक है बहादुर शाह द्वितीय को जफर जफ़र की उपाधि मिली थी इसके बाद में जहांदार शाह आते हैं फिर फारुख़ शर रफ़ीउ दरजात रफ़ीद द्दौला मुहमद शा, शा, शाह अहमद शाह आलमगीरदी शाह अकबर द्वितीय अब ये सारे याद करने हैं तो कैसे याद करें हम लोग ग्रुप बना करके याद कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग ये तीन शासक पढ़ते हैं बहादुर शाह जहांदार शाह फ़रुख इंपॉर्टेंट भी हैं इन्होंने इनके टाइम पीरियड पे बहुत सारे काम भी हुए हैं तो इनको हमको अच्छे से पढ़ना है तो इन तीन का एक ग्रुप बना लेते हैं बहादुर शाह जहांदार शाह फरुख़ ठीक है उसके बाद में रफ़ीदरजात और रफ़ीद्दौला ये थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए छः छः महीने के लिए आए और सत्रह में ही आ करके चले भी गए इनकी डेथ भी होगी दोनों बादशाहों की तो रफ़ी दरजात रफ़ीद दोला दोनों को एक ग्रुप में कर लेते हैं उसके बाद में मोहम्मद शाह और अहमद शाह का एक ग्रुप बना लेते हैं इसके बाद दुती आलमगीर दुती शाह आलम दुती ये भी इम्पोर्टेंट है आलमगीर दुती के समय प्लासी का युद्ध हुआ आ शाह द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ इन्होंने खुद ने बक्सर का युद्ध लड़ा और हार गए बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय इसके बाद में अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय तो हम लोगों ने क्या किया इसको ग्रुप में बांट दिया पहला ग्रुप बहादुर शाह जहाँदार शाह फरुक शयर ये याद कर लो उसके बाद रफ़ी दरजात रफीला मोहम्मद शा, शा, शाह अहमद शाह शाह आलम द्वितीय सॉरी आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय फिर अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ठीक है ये लास्ट में ये शुरुआत में ऐसा करके दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इनका टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट है वन बाय वन करके देखेंगे तो टाइम पीरियड हमारे हमें याद हो जाएगा बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता है जहांदार शाह को लम्पट मूर्ख फर्रुख को घृणित कायर और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है सत्रह से सत्रह तक पाँच साल रहा ये एक साल ही रहा जहांदार शाह उसके बाद में 1713 से 19 तक ये छः साल 1719 में ही रफ़ी दरजात दोनों की डेथ हो गई मोहम्मद शाह 19 से 48 तक अहमद शाह 1748 से सत्रह तक आलमगीर द्वितीय 54 चौवन से अट्ठावन शाह आलमद्वती उनसठ से लेकर के अठारह सौ छः तक अकबर अठारह सौ छः से अठारह सौ सैंतीस तक और अठारह सौ सैंतीस से सत्तावन तक बीस साल तक बहादुर शाह जफर ठीक है इस तरीके से ये इनका शासनकाल रहा इसके बाद में हम इसको वन बाय वन एक एक करके देखते हैं सभी भाषाओं को सबसे पहले हम लोग देखते हैं औरंगजेब के बारे में औरंगजेब के कुल तीन पुत्र थे एक मुअज्जम आजम कामबक्श औरंगजेब के कुल तीन पुत्र मुअज्जम आजम कामबक्श्श औरंगजेब ने वसीयत लिखी थी अपनी और तीनों पुत्रों का बंटवारा कर दिया था ठीक है मुअज्जम आजम कामबक्श्श में अपना पूरा साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था लेकिन जैसा कि पहले भी मुगलों में होता आया था इन तीनों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया ठीक है मुअज्जम जिसका नाम बहादुर शाह था उसने आजम के साथ 1707 में जजाऊ का युद्ध लड़ा और कामबक्श्श के साथ में 1709 में बीजापुर का युद्ध लड़ा और दोनों में अपने दोनों भाइयों को हरा करके मुअज्जम बादशाह बन जाता है बहादुर शाह के नाम से ठीक है औरंगजेब के तीन पुत्र मुअज्जम आजम कामबख्श मुज्जम ने आजम को हराया जजाऊ में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके दो साल बाद में कामबक्श्श को हराया 1709 में बीजापुर के युद्ध में कामबक्श्श को भी हरा दिया और ख़ुद पूरे भारत का बादशाह बन गया बहादुर शाह के नाम से ठीक है इसके बाद में औरंगजेब के समय ही जो मुसल मुस्लिम थे इंडिया के वे तीन गुटों में बदल गए गय, बट गए थे ईरानी तुरानी और हिंदुस्तानी मुस्लिम तो सब अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे ठीक है अब राजा धीरे धीरे जब कमज़ोर होने लगता है तो बाकी सब अपना अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में लग जाते हैं ठीक है तो धीरे धीरे जैसे बहादुर शाह राजा बना उसके बाद में कोई दूसरा बना तो ये ईरानी तुरानी हिंदुस्तानी जो गुट थे राजनीतिक गुट ये किंग मेकर्स के रूप के रूप में उभर करके आने लगे सामने ये अपना राजा बिठाना चाहते थे गद्दी पर तुरानी दल अपना राजा बिठाना चाहते थे हिंदुस्तानी दल अपना राजा बनाना चाहते थे ठीक है हिंदुस्तानी राजनीतिक गुट में सैयद बंधु का नाम आएगा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग अब बहादुर शाह के बारे में बहादुर शाह प्रथम है ये ये 1707 से लेकर के 1712 तक रहे है। ठीक है ये टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है इसको साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है साहेब बेखबर। इसने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया बहादुर शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जबकि इसके पिता जो औरंगजेब थे वो बहुत ही कट्टरवादी था इसने मेल मिलाप की नीतियाँ अपनाई इसी के टाइम पे जयसिंह अजीत सिंह छत्रसाल इन सबको इसने राजा स्वीकार कर लिया इसके बाद में आता है जहांदार शाह सा। बहादुर शाह हमने हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बाद आता है जहांदार शाह जहांदार शाह सा। सत्रह से सत्रह तक ठीक है सत्रह से सत्रह तक सिर्फ एक साल तक राजा बना रहा इसको किसने बनाया जुल्फिकार खान ने बनाया इसको राजा ईरानी दल का प्रमुख था जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को गद्दी पर बिठाया इसे लंपट मूर्ख की उपाधि मिली ठीक है इसको लंपट मुर्ग भी कहा जाता है लाल कुमारी वैश्या इसके टाइम पर थी इसी के चलते ये चर्चा में रहता था इसके बाद में आता है फर्रुख शेयर फर्रुख शेयर को घृणित कायर की उपाधि मिली घृणित कायर यह सत्रह से सत्रह तक शासन किया इसने सैयद बंधुओं ने इसको राजा बनाया इसके बाद में जो तीसरा गुट था सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल जो था सैयद बंधु इसमें दो निकल करके आए जो प्रमुख नेता थे हिंदुस्तानी दल के उन्होंने फर्रुख शेर को राजा बनाया फर्रुख शेर ने क्या किया 1717 में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान जारी कर दिया ये अंग्रेज़ों के लिए भारत में मैग्ना कार्टा सिद्ध हुआ जो कहीं पर भी जाकर के बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं और इसी शाही फरमान का इन्होंने भरपूर तरीके से मिसयूज कियाते हैं फरूक शेयर सत्रह सौ तेरह से उन्नीस तक घृणित कायर और मुक्त व्यापार करने का जो शाही फरमान था किसने जारी किया फरुख़ शेयर ने जारी जारी किया तो हम लोगों ने तीन जो पहला ग्रुप हमने जो बनाया था इसमें था हमारा बहादुर शाह जहांदार शाह और फर्रुख शेयर ये तीन थे इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया बहादुर शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था मेल मिलाप की नीतियाँ थी इसकी सहिष्णु था और 1707 से 12 तक इसने शासन किया जय सिंह अजीत सिंह छत्रसाल साल इसी के टाइम पे स्वतंत्र हो गए मतलब इसको भी इन्होंने राजा स्वीकार कर लिया छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी जो आप मराठा में बाजीराव के समय पर पढ़ेंगे ठीक है छत्रसाल की बेटी कौन थी मस्तानी थी हमने बहादुर भाद, बहादुर शाह पढ़ा जहांदार शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जहांदार शाह में हम लोगों ने पढ़ा कि इसने 1700 ये 1712 से लेकर के 1713 तक इसने शासन किया इसको जुल्फ़िकार खान ईरानी दल का जो लीडर था उसने राजा बनाया लाल कुमारी वैश्य के चलते ये चर्चा में रहता था ठीक है इसे लंपट मूर्ख की उपाधि धारण की तो दो हो गए तीसरा क्या था फ़ारुक शेयर फ़ारूक शेयर में हमने हम लोगों ने पढ़ा तेरह से लेकर के उन्नीस तक रहा है इसने शाही फरमान जारी कर दिया टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों के लिए इसको राजा किसने बनाया सैयद बंधुओं ने और घृण कायर किसने उपाधि धारण की ठीक है ये तीन हो गए इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है आगे के दो रफ़ीदौला और रफी ये तीन ग्रुप के जो फर्स्ट वाला पार्ट था ये हम लोगों ने पढ़ लिया दूसरा वाला पढ़ना है रफ़ी उद्दोला और रफी दर्जात के बारे में इन्होंने कुछ ख़ास काम किया नहीं रफ़ी दरजात सबसे पहले शासक बने और छः रोग से छः माह में ही इनकी मृत्यु हो गई फिर रफ़ीदोला सत्रह सौ उन्नीस में रफ़ी उद्दोला भी शासक बने इनकी भी छः माह में पैंस से मृत्यु हो गई तो रफ़ीदोला रफ़ी दरजात ये दो हो गए इसके बाद में जो अगला ग्रुप हम लोगों ने बनाया था मोहम्मद शाह और जहांदार शाह इसके बाद में हम लोगों ने अगला जो ग्रुप बनाया था मोहम्मद शाह और अहमद शाह ठीक है ये हम लोगों को पढ़ना है फिर उसके बाद आलमगीर दुती शाह दुती फिर अकबर दुती और बहादुर शाह दुती ठीक है तो इसके बाद में हम लोग मोहम्मद शाह पढ़ लेते हैं मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि धारण की मोहम्मद शाह ने रंगीला की उपाधि धारण की इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था 1719 से लेकर के 48 तक कहीं पर 1720 से लेकर के 48 तक इसका शासनकाल मिलता है सैयद बंधुओं ने ही इसको भी राजा बनाया लेकिन निजामुल मुल्क एक था सूबेदार ही था मुगलों का सूबेदार जिसने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी ठीक है सैयद बंधुओं की निजामुल मुल्क द्वारा हत्या कर दी गई और इसने ही 1724 में हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर दी ठीक है इसके बाद में और क्या होता है मोहम्मद शाह के टाइम पे सत्रह में देखो 1720 से लेकर के 48 तक रहा यह शासन में तो सत्रह में नादिर शाह एक था फारस का शासक उसने अटैक कर दिया ठीक है तो ये पूछा जाता है नादिर शाह ने किसके टाइम पे आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे अटैक किया नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता था ये फारस का शासक था और यहाँ से मयूर सिंघासन और कोहिनूर हीरा लूट करके ले जाता है ठीक है नादिर शाह जो था शहादत खान के ऊपर आक्रमण करता है लेकिन यहाँ से शादत खान उसको दिल्ली भेज देता है कहता है हम तो छोटे शासक हैं आप दिल्ली में जा कर के लूटपाट पाट करो जाकर के वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा वहाँ से जब वापस आ रहा होता है नादिर शाह शादत खान को धन्यवाद देने के लिए तो शादत खान डर के हमारे इसने सुसाइड कर लेता है ठीक है तो मोहम्मद शाह के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मोहम्मद शाह की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं द्वारा राजा बनाया गया सत्रह से तक रहा इसी के टाइम पर नादिर शाह ने इस पर अटैक किया निजामुल मुल्क जो चिंकलीज खां भी इसका नाम था इसने सैयद बंधु की हत्या कर दी और हैदराबाद राज्य की स्थापना की 1724 में ठीक है मोहम्मद शाह हो गया इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है अहमद शाह इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अहमद शाह अहमद शाह मैं बस इतना याद रखना है सत्रह सौ से चौवन तक इसने शासन किया अहमद शाह इसका भी नाम है और अहमद शाह अब्दाली का भी नाम है ठीक है अब्दाली भी जो था उसका पूरा नाम था अहमद शाह अब्दाली तो अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया सात बार इंडिया पर ठीक है अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर सात बार अटैक किया पहला अटैक सत्रह में ही किया अहमद शाह के टाइम पर इसी के जो इसी का जो वज़ीर था उसी ने इसको अंधा कर दिया इसके वज़ीर का नाम था गाजीउद्दीन वज़ीर ने ही इसको अंधा कर दिया अहमद शाह को अहमद शाह के बाद में हम लोगों को पढ़ना है आलमगीर आलमगीरदी ठीक है आलमगीरदी सत्रह सौ चौवन से लेकर के उनसठ तक रहा इसी के बीच सत्रह सौ सत्तावन में प्लासी का युद्ध होता है ठीक है सत्रह सौ सत्तावन में प्लासी का युद्ध होता है ये हालांकि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला लड़ता है लेकिन उस टाइम पे पूछा जाता है मुगल बादशाह कौन था तो आलमगीर द्वितीय था इसकी भी हत्या इसके वजीर द्वारा कर दी गई इसके टाइम पर भी अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया इंडिया पर फिर इसके बाद इसके बाद आता शाह आलम द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है शाह आलम द्वितीय इसी के समय सत्रह तक से अठारह तक रहा यह शासन में सत्रह से अठारह तक ये रहा इसको इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ सत्रह में इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है सत्रह में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में बक्सर के युद्ध के समय के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव के साथ में सत्रह में इसके साथ में और उसके बाद में इसको अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हो जाता है इसको 26 लाख रुपए सालाना के रूप में इसको मिलते थे बाकी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो थी वो अंग्रेज़ों ने ले ली थी छब्बीस लाख रुपये सालाना देने के छब्बीस लाख रुपए सालाना दे करके बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने ले ली थी और अंग्रेजी संरक्षण भी प्राप्त था इसको ठीक है इसके बाद आता है आठवें नंबर पे अकबर दुती अकबर दुती जो वो पेंशन मिलती थी अंग्रेजों ने पेंशन जो दे रहे थे वो भी पेंशन देना भी बंद कर देते हैं अकबर दुती को तो दुती ही क्या करता है राजा राम मोहन रॉय को भेजता है इंग्लैंड इसको yeah. राजा की उपाधि देता है और इंग्लैंड भेजता है अपनी पेंशन पुनः स्टार्ट करने के लिए वहीं पर राजा राम मोहन राय की मेनेंजाइटिस से मृत्यु हो जाती है ठीक है मैनन्जाइटिस एक ब्रेन की बीमारी होती है तो अकबर द्वितीय के बारे में बस इतना याद रखना है कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उनको इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन चालू करने के लिए ठीक है और वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इसके बाद में अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर 1837 से अठारह तक रहते हैं 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल अपने कब्जे में करने के बाद में अंग्रेज़ पूरे भारत को धीरे धीरे अपने मिला लेते हैं और 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाता है इसी के समय और इसी के समय अठारह की क्रांति होती है जिसमें सैनिकों का जो सैनिक विद्रोह का नेतृत्व तो कौन करता है बहादुर शाह जफर करता है बाद में अंग्रेजों ने द्वारा ये क्रांति को दबा दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को पकड़ करके रंगून भेज दिया जाता है अठारह में इनकी मृत्यु हो जाती है अठारह की क्रांति के बाद में कंपनी ख़त्म कर दी जाती है कंपनी का शासन ख़त्म करके जो भारत होता है भारत ब्रिटेन के डायरेक्टली अंडर में चला जाता है क्राउन रूल के अंडर में चला जाता है ब्रिटिश की रानी ब्रिटेन की जो रानी होती है इंडिया के बागडोर अपने हाथ में ले लेती है ठीक है तो अब हम लोगों ने उत्तर मुगल काल में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा औरंगजेब के तीन पुत्र मुअज्जम आजम कामबक्स मुअज्जम ही बहादुर शाह बना बहादुर शाह प्रथम इसने आजम के साथ जजाऊ का युद्ध 1707 में कामबक्स के साथ में 1709 में बीजापुर का युद्ध किया और दोनों को हरा करके खुद बादशाह बन गया जबकि औरंगजेब ने बंटवारा भी कर दिया था वसीयत भी लिख दी थी लेकिन फिर भी इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ धीरे धीरे इनके दरबार में राजनीतिक गुट बन, बनने लगे थे इंडिया में राजनीतिक गुट बनने लगे थे ईरानी तुरानी और हिंदुस्तानी ये आगे चल करके किंग मेकर्स की भूमिका निभाने लगे उसके बाद में बहादुर शाह के बारे में ये बेखबर धार्मिक सहिष्णु था और मेल मिलाप की नीतियां इसने अपनाई जयसिंह अजीत सिंह और छत्रसाल को राजा स्वीकार कर लिया इसके बाद में जहांदार शाह इसको लंपट मूर्ख की उपाधि जुलफिकार खान द्वारा राजा बनाया गया लाल कुमारी वैश्या के चलते चर्चा में रहता था इसके बाद में फारुख शेयर शेयर ने शाही फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने के लिए घृणित कायर की उपाधि मिली इसको हिंदुस्तानी बंधु जो जो हिंदुस्तानी गुट था सैयद बंधुओं के द्वारा ये राजा बनाया गया उसके बाद में रफी दरजात रफी दौला छः छः महीने के लिए राजा बनते हैं छः रोग से रफी दरजात की मृत्यु हो जाती है और पेचिस रोग से रफ़ीद दौला की मृत्यु हो जाती है इसके बाद में मोहम्मद शाह बनता बादशाह इसको मोहम्मद शाह रंगीला इसको रंगीला बादशाह की उपाधि मिलती है सैयद बंधुओं द्वारा इसको भी राजा बनाया जाता है लेकिन किंतु तो मुल्क जो जिसका दूसरा नाम चिंकलीज खान था उसने सैयद बंधु की हत्या कर दी फिर 1724 में हैदराबाद के नए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है इसी के समय मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह अटैक करता है यह फारस का शासक होता है इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है मयूर सिंघासन और कोहनूर हीरा यहाँ से लेकर के चला जाता है फिर अहमद शाह अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने सात बार आक्रमण किया इसके वजीर के द्वारा ही ये अंधा बना दिया जाता है इसके वजीर का नाम था गाजी उद्दीन इसके बाद में आता है आलमगीर द्वती इसके वजीर के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के साथ में सिराजुद्दौला लड़ता है और अहमद शाह अब्दाली भी इसके टाइम पर एक बार अटैक करता है शाह आलम द्वितीय इसके समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के के मध्य और उसी के साथ में बक्सर का युद्ध लड़ता है ये खुद सत्रह में और हार जाता है उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव के साथ में और उसके बाद में इसको अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हो जाता है फिर अकबर अकबरद्वतीय जिसकी पेंशन बंद हो जाने के कारण ये राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजता है और उस, उनको राजा की उपाधि अकबर अकबरद्तीय द्वारा ही मिलती है लास्ट में बहादुर शाह जफर इन्हीं के समय अठारह के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया अठारह की क्रांति होती है जिसमें सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र करता है और इसको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ करके रंगून जेल में भेज दिया जाता है जहां पर इसकी अठारह में मृत्यु हो जाती है अठारह की क्रांति के बाद में कंपनी रूल ख़त्म कर दिया जाता है और मुगल की जो शासन होता है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है और पूरा भारत ब्रिटेन की रानी के अंडर में हो जाता है ठीक है यहाँ की भारत की साम्राज्य जो होती है वो ब्रिटेन की रानी घोषित कर हो जाती है ठीक है आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब के बाद में जो जो मुगल हुए हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो मुगल्स थे वो सारे उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किया हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट थे वो सारी चीज़ें पढ़ी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स